ओके मालिक, सो तोड़ मालिक तोड़। तो भारत माता की जय मालिक। तो मालिक एक कुछ एक 8-10 सेकंड पीछे चल रहा है मालिक, एक 8-10 सेकंड मेरे ख्याल से यूट्यूब लाइव है। ओके सो तोड़ मालिक तोड़ मालिक। तो तोड़ मालिक गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड मालिक। बढ़िया मालिक, बढ़िया मालिक, सब बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया, हेलो 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 मालिक, हेलो मालिक, तोड़ मालिक तोड़, बढ़िया। तो भाई साहब ओके, वी आर ऑन द सेशंस ऑफ रिवीजन, जहां पर मैं ऑडिट का रिवीजन करवाऊंगा, इंटर ऑडिट का। ये लेक्चर के थ्रू अपन चालू करेंगे। ओके तो यहां पर अपन इंटर ऑडिट का रिवीजन के सेशंस है, जो रात को रोज 9:30 to 10:30, 11 तक, 11 बजे तक अपन रोज लेंगे। एक मेरे ख्याल से एक 12-13 दिन में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा मालिक, 12 से 13 दिन का लॉजिक रहेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 10-12 घंटे के अंदर ये सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा मालिक। इसके अलावा एसएम का रिवीजन एक दिन में होगा, जो कि फ्राइडे को होगा मालिक। फ्राइडे को एसएम के साथ में एफएम का भी रिवीजन होगा मालिक। तो फ्राइडे के दिन आपको प्रशांत सर एफएम लेंगे सुबह 8 बजे से लेकर मेरे ख्याल से 1:30 बजे तक, और 2:15 से लेकर शाम को 6:15 तक मैं लूंगा एसएम का रिवीजन। सर क्या ईआईएस का रिवीजन होने वाला है? आंसर इज नो मालिक, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ईआईएस का रिवीजन नहीं होगा, ईआईएस का मैराथन नहीं होगा। ईआईएस के आप जो May 23 वाले रिवीजन लेक्चर्स है वो आप उसको देख सकते हो, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक में शेयर कर दूंगा मालिक, ऑल टुगेदर ये काम हो जाएगा। उसके अलावा ओके सर क्या लॉ के रिवीजन होने वाले हैं? आंसर इज यस मालिक, मैं लॉ के रिवीजन लेने वाला हूं, और लॉ के रिवीजंस इवन रिवीजन जो चार्ट्स के रिवीजन है वो भी अपलोड कर दूंगा। कमिंग वीक में सब अपलोड होना चालू हो जाएगा मालिक, यानी एक अप्रोक्सीमेटली अगर अपन बात करें नवरात्रि जो चल रही है अभी, तो अपन ऑडिट से चालू कर रहे हैं, फ्राइडे को एसएम खत्म कर लेंगे, अगले हफ्ते से लॉ को भी चालू करेंगे मालिक। तो आपके ऑल टुगेदर ओके, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, एसएम हो गया, ईआईएस के आप पुराने देखोगे, एफएम का काम हो जाता है, एफएम के रिवीजन भी कवर हो जाएंगे, और साथ में ईएफएफ का पुराना वाला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो ग्रुप टू के आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, एडवांस अकाउंटिंग आपको करना होगा ओके, एंड ग्रुप वन अगर कोई दे रहा होगा तो ग्रुप वन का आपका लॉ कवर हो जाएगा मालिक यहां पर। तो दिस इज व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड, एंड विनोद सर के लेक्चर ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है जो कॉस्टिंग के ये है। तो ग्रुप वन के भी 2 सब्जेक्ट में आपके ऑल टुगेदर कवरेज दिया हुआ है। तो भारत माता की जय ओके, मैंने एजेंडा ये रखा हुआ है, अपन चालू कर रहे हैं Chapter 4 के साथ में, Chapter 4 के पॉइंट पे है, मैं यहां पर रिविजन कर रहा हूं, सारा चीज रिवाइज कर दूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। आज का एजेंडा पूरा Chapter 4 क्लोज होने का नहीं होगा ओके, आज और कल मतलब 2-3 घंटे लगते हैं अपने को Chapter 4 कवर करने में, तो अपन वो 2 दिन में कवर करेंगे या 3 दिन में कवर कर लेंगे, और जैसे ही Chapter 4 खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन Chapter 7 करेंगे। इसके बाद के सीक्वेंस आप बताते रहना, Chapter 10 कवर करेंगे कंपनी ऑडिट, उसके बाद आप कोई सीक्वेंस बता दीजिए, उस सीक्वेंस से अपन फ्लो ऑन करते जाएंगे मालिक ओके। तो लेट्स स्टार्ट ऑन ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं अपन मालिक, मैंने आपको बस एजेंडा बता दिया कि आगे का कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, इस एजेंडा के बेसिस पे अपन चालू करते हैं। सर मैं जो रिविजन बुक यूज कर रहा हूं वो TRB है, तोड़ रिविजन बुक करके है, जो आपको ऑल टुगेदर जिन्होंने मेरे लेक्चर्स किए हुए हैं उनको आपको लेक्चर्स के साथ में मिली हुई है ओके, ऑल टुगेदर किसी और पॉइंट पे है, और मैं ट्राई करूंगा कल या परसों में, 1-2 दिन जाने दीजिए, 2-3 दिन में इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर दूं टेलीग्राम पे ओके, जिनके पास नहीं रहेगी तो वो पॉइंट हो जाएगा। तब तक अगर आप ऑल टुगेदर चाहते हैं ओके ये पॉइंट पे, तो किसी के पास अगर तोड़ रिवीजन बुक नहीं है तो उस केस में अपन ऑल टुगेदर इसको यूज कर लेंगे। क्या बोले आप, मेन बुक को यूज कर लीजिए, मेन बुक के थ्रू भी आप को थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मालिक। और एक इंपॉर्टेंट चीज मत भूलिए ओके, मां कसम तोड़ लाइक करना चालू करिए, जितने भी व्यू कर रहे हो प्लीज लाइक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, बिना लाइक किए देखिए ओके, आपका एक लाइक आपको शायद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ लेना देना नहीं आपको लाइक से, ज्यादा कंसर्न नहीं है ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया, लेकिन वीडियो को लाइक करोगे तो मां कसम मालिक ओके अपने वीडियो के सजेशन में जाएंगे और अल्टीमेटली स्टूडेंट तक पहुंचेंगे मालिक ओके। और मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे, अपन तोड़ पढ़ाते हैं और तोड़ पढ़ाते ही रहेंगे मालिक ओके, तोड़ पढ़ाना अपन कभी छोड़ेंगे नहीं मालिक, ना तोड़ कभी छोड़ेगा पढ़ाना ओके। तो भारत माता की जय, लेट्स स्टार्ट विद कंटेंट, पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए मालिक, वीडियो को लाइक किए बिना जाइए मत। और अगर कोई लेक्चर, सर क्या ये लेक्चर रहने वाले हैं? आंसर इज यस, ये यूट्यूब पे ही रहने वाले। सर कौन से चैनल पे? तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस इस चैनल पे ही रहने वाले हैं मालिक ओके। तो बिना लाइक किए अब जाइए मत ओके, यानी अगर कोई बाद में लेक्चर देखने वाला रहेगा, क्योंकि ऑल टुगेदर अभी ऑल टुगेदर कुछ एजेंडा लेके बैठा होगा, कोई टेंशन नहीं है ओके, कोई इश्यू नहीं है, बाद में भी देख लेना, अपलोडेड रहेगा, लेकिन ओके
बस लाइक बटन दबा के फिर निकली है मालिक, इज अ पॉइंट क्लियर। तो कार्तिक भाई दो बार लाइक कर दिया तुमने, दो बार मत कर दिया, तीसरी बार और एक बार कर दिया, तीन बार कर दिया मालिक, तोड़ मालिक। तो भारत माता की जय। लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर फोर्थ। ओके, चैप्टर फोर्थ ऑडिट के अंदर क्या कवर कर रहे हैं मालिक, चैप्टर फोर्थ। ओके, अगर आप देखोगे तो ऑडिट सबसे बड़ा चैप्टर फोर्थ है, और मैंने वैसे भी वोटिंग किया था तो जितने वोट्स आए थे उसमें चैप्टर फोर्थ के ऊपर ज्यादा डिस्कशन आया। तो लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर फोर्थ मालिक। चैप्टर फोर्थ के अंदर अपन कवर करेंगे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अभी टू वेरी प्रिसाइज, अगर चैप्टर फोर्थ को एजेंडा देखे तो चैप्टर फोर्थ के एजेंडा में हम इस चैप्टर फोर्थ को ओके मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होगा हम लोग पहला डिस्कशन करेंगे ऑडिट रिस्क के ऊपर, दूसरा डिस्कशन जो अपना पार्ट होगा वो होगा रिस्क असेसमेंट के ऊपर, तीसरा पार्ट जो होगा अपना वो होगा इंटरनल कंट्रोल जो कि सबसे बड़ा पार्ट होगा, चौथा पार्ट होगा अपने लिए इंटरनल ऑडिट, एंड पांचवा पार्ट होगा जो होगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल IFC एंड ICOFR। ओके, इनके ऊपर अपने डिस्कशन होंगे मालिक। ओके, तो ये पांच पार्ट अपने को एजेंडा कवर कर रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा एजेंडा जो आपका रहेगा वो रहेगा इंटरनल कंट्रोल मालिक। इंटरनल कंट्रोल का कॉन्टेक्स्ट आपका बड़ा एजेंडा है, लेकिन जैसे जैसे अपन ये है आपको अगर बाकी सब चीजें भी आती है लेकिन इकट्ठा करने की कोशिश करिए, इकट्ठा करने की कोशिश करिए मतलब जो ऑल टुगेदर जो ऑल टुगेदर कंटेंट है उसको डिफाइन करने की कोशिश करिए, उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर फोर्थ, जहां पर अपन चालू करते हैं ऑडिट रिस्क के मालिक। ओके सर, ऑडिट रिस्क क्या होता है? तो अगर आपको याद होगा ऑडिट रिस्क में हम लोग क्या करते हैं मालिक, ओपिनियन देते हैं। तो आपने जो ओपिनियन दिया वो ओपिनियन एक्चुअली उल्टा हुआ, गलत हुआ, और जो आपको ओपिनियन देना चाहिए था वो ओपिनियन ना देके आपने दूसरा ओपिनियन दिया, दिस इज नथिंग बट ए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ये एक रिस्क है, लेकिन इसके अंदर आपको टेक्निकली आंसर समझना पड़ेगा। अगर मुझे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मेरे को अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था और उसकी जगह मैंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, मैंने क्या बोला, मुझे कौन सा ओपिनियन देना चाहिए था, ओके मॉडिफाइड, और मैंने कौन सा दिया, अनमॉडिफाइड। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो दिया है मैंने ये गलत है, और इसको हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं मालिक, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क मालिक। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। दूसरा सिनेरियो और एक मैं बोलता हूं सर, मैं वापस समझा रहा हूं। देखो मुझे कौन सा देना था, मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड में वो हो सकता है क्वालिफाइड हो, एडवर्स हो, चैप्टर 11 हो चुका होगा आपका, लॉजिक मैं अज्यूम करता हूं। ओके, क्वालिफाइड हो, एडवर्स हो, ओके आप जो भी देना चाहते हो, आप क्वालिफाइड देना चाहते हो, एडवर्स देना चाहते हो, लेकिन उसकी जगह आपने अनमॉडिफाइड दिया, ये हमारे लिए ऑडिट रिस्क होगा। इस ऑडिट रिस्क का कंटेक्स्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके इसमें तीन डेफिनेशन के पार्ट कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑडिट रिस्क क्या है, तो ऑडिट रिस्क एक चीज है जहां पर रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो मेरे को बताओ, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे, ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे, तो ओपिनियन कौन सा देना चाहिए था, मॉडिफाइड देना चाहिए था, लेकिन आपने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया। सर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देना मतलब जो गलत ओपिनियन दिया, यानी आपने क्या किया, अनमॉडिफाइड दे दिया। अब सर इसका उल्टा कर सकते हैं क्या, सर इसका उल्टा क्या होगा, ओके आपने अनमॉडिफाइड देना चाहिए था और आपने मॉडिफाइड दे दिया, क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है, आंसर इज नो। ओके, स्टैंडर्ड 315 क्लियर बताता है कि ऐसी परिस्थिति आने की होना कम होगी, क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, देखिए आप थोड़ा टेक्निकली समझिए, आप बोल रहे हो आपने अनमॉडिफाइड देना चाहिए था, लेकिन आपने अनमॉडिफाइड की जगह आपने क्या कर दिया, मॉडिफाइड दे दिया। क्या दे दिया मालिक, मॉडिफाइड दे दिया। मैं वापस बोल रहा हूं, आपने कौन सा देना चाहिए था, अनमॉडिफाइड, लेकिन आपने क्या दे दिया, मॉडिफाइड दे दिया। ये कॉन्टेक्स्ट आप कवर कर रहे हो, ये सेकंड पॉइंट है, ये बोला जाता है इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। कौन सा मालिक, इनसिग्निफिकेंट रिस्क, कौन सा रिस्क है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क, इज द पॉइंट क्लियर। तो इस रिस्क को इसमें कवर नहीं किया हुआ है। सर ये कहां पर लिखा हुआ है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क, अगर आप ये पॉइंट पढ़ोगे तो इसके अंदर आप देखोगे। और मैं वापस बोल रहा हूं, आपके पास अगर टीआरबी होगी तो टीआरबी के थ्रू करिए, टीआरबी नहीं होगी तो आप मेन बुक के थ्रू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी जगह आपको सेम कॉन्टेक्स्ट रहने वाला है। तो सर यहां पर क्या बोला हुआ है, ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट, यानी अब यहां पर इट इज नॉट इंक्लूडेड ऑडिट रिस्क। सर क्यों नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि सर ऐसी परिस्थिति आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। क्या बोलते हैं अपन इसको, इनसिग्निफिकेंट रिस्क। समझ में कुछ आया, ये इनसिग्निफिकेंट है यार, ये एकदम छोटी सी रिस्क है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। ओके, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। ओके, और लास्ट और एक पॉइंट बोला हुआ है, ओके इट डज नॉट रिफर टू ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क, यानी एग्जांपल अगर मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया और क्लाइंट ने क्या किया, क्योंकि मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, क्लाइंट हमें छोड़ के चला गया, क्लाइंट बोलता अब मैं किसी और को सजेस्ट भी नहीं करूंगा तेरे को, और मैं किसी और को बोलूंगा भी नहीं तुझे, ओके ये करने के लिए, तुझे अपॉइंट करने के लिए ऑडिटर, ओके ये है, तो क्या इसकी वजह से मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, क्या इसकी वजह से मेरे धंधे का नुकसान हुआ है, आंसर इज यस। अब ये जो धंधे का नुकसान हुआ है, बिजनेस का नुकसान हुआ है, या मेरे अगेंस्ट कुछ केस होता है, ये केस या ये पार्ट ऑडिट रिस्क का हिस्सा नहीं है। तो व्हाट इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है या थियरी आ सकती है, व्हाटएवर। अगर आपको थियरी आती है लिखने के लिए, ऑडिट रिस्क लिखी है, तो आपको आंसर ऐसा ही लिखना होगा, जिसमें तीन पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट ऑल टुगेदर मैं समझा चुका हूं, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट जो ऑडिट रिस्क में इंक्लूडेड नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक। ओके, अब ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला होता है आपके लिए दो पार्ट में। ऑडिट रिस्क के फॉर्मूले को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। सर कौन से दो पार्ट में डिवाइड करोगे, आरएमएम एंड डीआर। सर आरएमएम का फुल फॉर्म होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड डीआर का फुल फॉर्म होता है डिटेक्शन रिस्क। जब मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात कर रहा हूं और डिटेक्शन रिस्क की बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं थोड़ी सी थियरी आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के, पहले अपन बात करते हैं मिसस्टेटमेंट मतलब क्या है। मिसस्टेटमेंट
अचीवमेंट मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो चीज होनी चाहिए थी और जो चीज है, जब ये दोनों में डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। वापस बोल रहा हूं, जो चीज होनी चाहिए थी और जो चीज है, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट रिफर्स टू ए डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड फाइनेंशियल आइटम एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट आइटम, फॉर द आइटम, यानी जो होना चाहिए था और जो रिपोर्ट किया आपने, उन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल उसको मैं लेता हूं हमेशा। ओके, अगर लिफो के हिसाब से मैंने मेरे को अपना अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बोलता है मेरे को लिफो फॉलो करना चाहिए था, लेकिन मैंने फिफो किया। अब मेरे को बताओ क्या होना चाहिए था? लिफो, लेकिन मैंने क्या किया? फिफो। अब ये दोनों करने के, जो होना चाहिए था जो है, ये दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के अमाउंट में अगर डिफरेंस आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अब ये मिसस्टेटमेंट अपने को ध्यान रखना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओके मिसस्टेटमेंट। अब डे वन पे जब ऑडिट करने आते हैं तो क्या हमको डे वन पे ऑडिट में मिसस्टेटमेंट मिलता है क्या? नहीं। तो डे वन पे हमने काम करना चालू करना होगा और पता करना होगा आरएमएम कितना है। आरएमएम का फुल फॉर्म होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, तो यानी मेरे को बताओ मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? मिसस्टेटमेंट जो है और जो होना चाहिए था, अब इसका रिस्क अपने को पता करना चाहिए, यानी चांसेस कितने हैं मिसस्टेटमेंट होने के। लेकिन सारे मिसस्टेटमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, हम कौन से मिसस्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। ये चैप्टर 2 में कवर होगा मटेरियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, प्रोबेबली अपन ऐसा करेंगे, ये चैप्टर होने के बाद चैप्टर 10th लेंगे, चैप्टर 10th के बाद चैप्टर 2 कवर कर लेंगे मालिक। ओके, तो प्रिसाइजली अगर बात करें तो मालिक मेरे को बताओ ओके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? एक ऐसा चांस जो चांस हो सकता है मिसस्टेटमेंट होने का, और वो मिसस्टेटमेंट कैसा हो सकता है? मटेरियल। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते वक्त ये बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो आपने बताया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बताया। अच्छा, वापस बता दूं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? मिसस्टेटमेंट है क्या? नहीं, चांसेस है। तो ये दो लेवल पे हो सकते हैं। सर कौन से दो लेवल पे हो सकते हैं? ओके, सबसे पहला होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक होता है असर्शन लेवल। ओके सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब अगर आपको याद होगा परवेजिव इफेक्ट है। परवेजिव आपको चैप्टर 11 में ये परवेजिव का कांसेप्ट कवर किया जाता है। ओके, परवेजिव इफेक्ट मतलब ओवरऑल इंपैक्ट रहेगा, और असर्शन लेवल मतलब एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे रहेगा। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, अकाउंट बैलेंस होगा या डिस्क्लोजर होगा, जिसको मैं हमेशा एबीसीडी शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं। सर एबीसीडी शॉर्ट फॉर्म किसको डिराइव करता है? एबी इज अकाउंट बैलेंस, सी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डी इज डिस्क्लोजर। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अब सवाल उठता है सर आरएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये कितने लेवल पे हो सकते हैं? ये दो लेवल पे हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। असर्शन लेवल मतलब एबीसीडी, अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस मतलब अल्टीमेटली बैलेंस शीट का आइटम, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब पीएनएल का आइटम, और डिस्क्लोजर मतलब नोट्स का आइटम। अब सवाल उठता है सर अगर मेरे को मालूम पड़ रहा है कि सर अगर डेटर्स में झोल है, अगर डेटर्स में मैं बोल रहा हूं झोल है मतलब झोल होने के चांसेस है, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मुझे लग रहा है डेटर्स में झोल है, झोल होने के चांसेस है, इसका मतलब ओके मैं क्लियर हूं कि डेटर्स में ही पॉइंट प्रॉब्लम है, तो ये कौन सा हो गया? असर्शन लेवल हो गया। ओके, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब एनी और मेनी असर्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनी और मेनी असर्शन। ओके, ऐसा नहीं है कि असर्शन कौन सा, कोई भी असर्शन बिगड़ सकता है। सर इसका एग्जांपल बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए। एग्जाम्पल, अपन सारे ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे हैं, लेकिन कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कैश पे कंट्रोल नहीं है। ओके, रेज्यूम करो कैश पे कंट्रोल ही नहीं है और कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है, परचेस कैश में हो रहा है, सेल्स कैश में हो रहा है, सैलरी का पेमेंट कैश में हो रहा है, कमीशन कैश में हो रहा है, सारी चीजें कैश में हो रही है, सारी रिसीट कैश में हो रहा है। अब मेरे को बताओ, और कैश पे कंट्रोल नहीं है, यानी कैश का जो ड्राइवर है उस पर कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है? आंसर इज यस। क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है? यस। लेकिन अब कौन से आइटम में? कोई आइटम डिफाइंड है क्या? नहीं। तो ये कौन सा होता है? एनी आइटम। ओके, मेरे को बताओ क्या सेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है? यस। क्या परचेस में हो सकती है? यस। क्या सैलरी में हो सकती है? यस। क्या वेजेस में हो सकती है? यस। क्या फिक्स एसेट में हो सकती है? आंसर यस। रीजन सिंपल है, सारा पेमेंट अपन किस में कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आत्मा क्लियर? तो भाई साहब ओके, सबसे पहला आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितने लेवल पे होते हैं? दो लेवल पे। कौन सा लेवल? ओके, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक होता है असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का कॉन्सेप्ट जो आता है वो कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि एनी और मेनी असर्शन, जिसको और एक नाम याद रखोगे परवेजिव, और असर्शन लेवल मतलब एबीसीडी। अगर मेरे को मालूम पड़ रहा है इस आइटम में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब असर्शन लेवल पे, और मेरे को मालूम पड़ रहा है कोई भी आइटम में प्रॉब्लम हो सकता है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। बिफोर गोइंग अहेड ओके, जो ऑल टुगेदर मेरे क्लास ले चुके हैं उनको आइडिया होगा, मैं एग्जांपल क्या लेता हूं। जो क्लास नहीं लिए हुए, जो मेरे को रिवीजन में देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं अपन एग्जांपल ऐसा लेंगे ओके। यूजुअली अपन ऐसा करेंगे ओके, जो भी टोटल बैलेंस शीट आइटम पीएनएल आइटम नोट्स है कैश फ्लो डिस्क्लोजर है, उसमें से अपन एज्यूम करेंगे अपने पास टोटल कितने आइटम है? 300 आइटम है। 300 आइटम मतलब कितने हैं? बैलेंस शीट के आइटम है, बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट्स नोट्स के आइटम जो भी अकाउंट हो गए ओके, वो 300 आइटम है। 300 आइटम मतलब कैसे? डेटर्स एक आइटम हो गया, फिक्स एसेट एक आइटम हो गया, इन्वेस्टमेंट एक आइटम हो गया ओके, प्रॉफिट एक आइटम हो गया, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, परचेज एक आइटम हो गया, सेल्स एक आइटम हो गया, वेजेस एक आइटम हो गया, समझ में आया? तो जब भी मैं बोलूंगा 300 आइटम है, तो 300 आइटम में से कौन सा डिस्कस करना है, ये पॉइंट आपको क्लियर आना चाहिए। तो मैं हमेशा यूज करूंगा 300 आइटम। तो सर अगर मैं बोल रहा हूं आपको 300 आइटम है और 300 आइटम में से ओके 300 आइटम में से 40 में रिस्क है, 40 में रिस्क है, क्या है? मैंने क्या बोला? 40 में रिस्क है। इसका मतलब ये रिस्क कौन से इसमें है? 40 क्लियरली आइडेंटिफाइड है, 40 क्लियरली आइडेंटिफाइड है। इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? इसका
मतलब ये आरएमएम कौन से लेवल पे है, असर्शन लेवल पे है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है 300 में से किसमें रिस्क है, किसमें मटर मिस्टेक में होने की संभावना है। मैं चाहता हूं 300 में से एग्जांपल 300 में से किसी में भी हो सकता है, या 300 में से मैं ऐसा बोल रहा हूं 180 में एरर है, 180 में, तो अब इसको असर्शन लेवल नहीं बोलेंगे। आप बोलोगे सर 180 तो असर्शन हुआ ना, मेरे को मालूम पड़ रहा है 180, अरे कितना बड़ा कंपोनेंट है, परवेजिव कंपोनेंट है, तो इसको हम असर्शन नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो अगर 300 में से कुछ आइडेंटिफाइबल चीजें हैं तो असर्शन लेवल पे आरएमएम है, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो असर्शन लेवल पे नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर, इधर तक क्लियर है मालिक। तो अब मेरा डेफिनेशन क्या है, मेरा डेफिनेशन पहला शुरुआत हुआ था डेफिनेशन ऑडिट रिस्क क्या है मालिक, मेरा डेफिनेशन क्या हुआ था ऑडिट रिस्क क्या है, डेफिनेशन आया था, ओके डेफिनेशन आया था, मैं डेफिनेशन को वापस एक बार बता दूं आपको स्क्रीन पे। ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन बताया था आरएमएम है और मल्टीप्लाई बाय डीआर करते हैं, डिटेक्शन रिस्क करते हैं। सो सबसे पहले अपना आरएमएम को क्लियर करते हैं। अब मेरे को बताओ आरएमएम कितने लेवल पे होता है। अच्छा आरएमएम मतलब क्या, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है, नहीं चांसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट है। आरएमएम कितने लेवल पे है, दो लेवल पे, असर्शन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ये दोनों क्लियर है मालिक आरएमएम का, आंसर इज यस। अब ये आरएमएम के दो लेवल पे कॉन्टेक्स्ट जो जा रहा है, इसके बाद अपन इसके दो कंपोनेंट को देख रहे हैं। ओके ओके, आरएमएम के दो कंपोनेंट कौन से है, आरएमएम के दो कंपोनेंट कौन से है, ये आपका अगला सवाल है। आरएमएम के दो कंपोनेंट ऑफ आरएमएम कितने हैं, तो आरएमएम के दो कंपोनेंट है, एक है इनहेरेंट रिस्क और एक होता है कंट्रोल रिस्क। मेरे ख्याल से सबको आत्मा सबको याद होगा इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ओके, अगर मेरे 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 पास एज्यूम करता हूं, मैं बस बोल रहा हूं आरएमएम का दिमाग में क्लियर रखिए, क्या आरएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, नहीं चांसेस है, तो चांसेस पता करने के लिए हम पहले क्या पता करेंगे, इनहेरेंट रिस्क। सर इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी और पॉसिबिलिटी, अगर आपने टेक्निकल वर्ड देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ससेप्टिबिलिटी और पॉसिबिलिटी दैट ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिसस्टेटमेंट है बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स, यानी हम एज्यूम करेंगे कंट्रोल्स कंपनी के पास है ही नहीं। सर कंट्रोल्स है नहीं मतलब पॉलिसी प्रोसीजर ही नहीं है, एज्यूम करेंगे कंट्रोल नहीं है पॉलिसी प्रोसीजर नहीं है। अब मेरे को बताओ कंट्रोल नहीं है पॉलिसी प्रोसीजर नहीं है, इसका मतलब कितना मिसस्टेटमेंट हो सकता है। याद देखो एक चीज क्लियर रखो, इनहेरेंट रिस्क में कभी भी कोई 100% नहीं बोल सकता, रीजन सिंपल है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ओके मैं क्लास ले रहा हूं, ओके क्लास ले रहा हूं और मेरे को बताओ हुली रिसीट चेक कर रहा है, ओके और पारस रिसीट चेक कर रहा है या प्रेम रिसीट चेक कर रहा है। अब मेरे को बताओ इस रूम में अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये लॉजिक है। अब हुली रिसीट बनाता है, ओके अब थोड़ा टेक्निकली समझो, अगर मेरा हुली पे कंट्रोल नहीं है, हुली पे कंट्रोल नहीं है, अब मेरे को बताओ क्या हुली मेरे को ऐसा बोलेगा मैं एक भी एडमिशन नहीं हुआ भैया जी और मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास में बैठे हुए एक भी एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा है क्या पॉसिबल, नहीं। अगर कंट्रोल नहीं है, अगर कंट्रोल नहीं है तो 100% रिस्क कभी नहीं होता मालिक, लेकिन कुछ हेड तक आप बोल सकते हो कि भाई 70% रिस्क हो रहा है। कितना परसेंट रिस्क हो रहा है बेटा, 70% रिस्क, एज्यूम कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ओके तो इनहेरेंट रिस्क में 70% रिस्क अपन एज्यूम करते हैं, यानी इसका मतलब ओके अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूं तो 70 रुपया मेरे हाथ से जाने के चांसेस है, पर यह कब होता है इनहेरेंट रिस्क, मतलब बिफोर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल्स। तो फिर कंट्रोल रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं, ये पॉसिबिलिटी ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर मैंने कंट्रोल्स डाले हैं ओके लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल्स प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, करेक्ट नहीं कर पा रहे। डेफिनेशन को याद रखना, मैं बोल रहा हूं कंट्रोल रिस्क में क्या लिखेंगे, कंट्रोल रिस्क में अपन ऐसा लिखेंगे कंट्रोल डाले हुए लेकिन उसके अलावा मतलब कंट्रोल डालने के बाद भी कंट्रोल ना प्रिवेंट कर पा रहा है, ना डिटेक्ट कर पा रहा है, ना करेक्ट कर पा रहा है, ओके इसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर। ओके ये कंट्रोल रिस्क का कॉन्टेक्स्ट अपन ने डिस्कशन में लाया। तो अब सवाल होता है कंट्रोल रिस्क कब देखते हैं, सर कंट्रोल डालने के बाद, यानी पहले बारे इसमें कंट्रोल डाले नहीं थे, सर कंट्रोल डाले हुए थे लेकिन अपने एज्यूम का कंट्रोल नहीं है। अब एज्यूम करते हैं कंट्रोल डालने के बाद कितना रिस्क है, यानी कितने चांस है कि कंट्रोल डालने के बाद भी ओके रिस्क हो सकता है, और यहां पर अपन एजम्पशन करते हैं एग्जांपल। अब जो भी परसेंटेज लोगे, एग्जांपल ले रहा हूं ओके 10%, अपन एग्जांपल लेते हैं 10% चांस है कि कंट्रोल डाला हुआ है फेल होएगा। अब टेक्निकली याद रखना ये आंसर को, ओके मेरे को बताइए, ओके मेरे को बताओ, ओके बिना कंट्रोल के भी कितना बच रहा था, 30 तो बच ही रहा था ना, ओके 30 तो बच ही रहा था मालिक, तो कंट्रोल कितने के लिए बचाने के लिए चाहिए, 70 को बचाने के लिए चाहिए। अब मेरे को बताओ 70 को जब बचाने के लिए चाहिए, 70 को बचाने के लिए चाहिए, तो 70 को बचाने के लिए जो कंट्रोल डाले थे मैंने उसमें भी कंट्रोल 10% फेल है, तो 70 का 10% अगर मैं निकालता हूं तो यूजुअली ओके आरएमएम कितना निकलता है, आरएमएम निकलता है 60%, 7%। ओके टेक्निकली स्पीकिंग ओके 7% को लॉजिकली कैसे समझा रहे हो, सर 70 का 10%, सर 100 का 10% नहीं लेते अपन, इनहेरेंट रिस्क का ओके कंट्रोल रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ओके तो ये 7% आया, इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितने चांसेस है एक पर्टिकुलर आइटम में, 7%। अपन एसर्शन का डिस्कशन कर रहे हैं, एक आइटम ले रहे हैं, डेटाज में ये चांसेस बोल रहे हैं अपन, ओके सेल्स केस में देख रहे हैं, तो सेल्स में 7% रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ओके आई डू थिंक ये कॉन्सेप्चुअली सबको समझा होगा, क्योंकि आरएमएम का फॉर्मूला क्या है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क, क्योंकि आपको समझा होगा टेक्निकली क्या सीन जा रहा है।
ओके, तो आरएमएम मेरे पास 7% है। तो सर जितना ज्यादा आरएमएम, अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा लो, ये एक आरएमएम है ओके, अब मेरे को बताओ दूसरा और एक कैलकुलेशन आएगा जिसमें आरएमएम में एक में आएगा 1%, और एक ऐसा कैलकुलेशन लो जिसमें आएगा आरएमएम 15%। ओके, ऐसे तीन मैंने आपको एग्जांपल दिए, एक में 1% है, एक में 15% है, एक में 7% है। मेरे को बताओ आरएमएम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा ना, तो मेरे को बताओ काम किधर ज्यादा करोगे, काम किधर ज्यादा करोगे, जिधर आरएमएम ज्यादा है या जिधर आरएमएम कम है, जिधर आरएमएम ज्यादा है। तो मेरे को बताओ 15 में बहुत ज्यादा काम करोगे, 7 में काम 15 से कम करोगे लेकिन ज्यादा करोगे, और 1 में सबसे कम काम करोगे। ओके, इसको हम कॉन्टेक्स्ट डालते हैं डिटेक्शन रिस्क से। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है मालिक? डिटेक्शन रिस्क ओके, एक ऐसा रिस्क होता है, डिटेक्शन रिस्क ऐसा रिस्क होता है जहां पर ऑडिटर ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया फिर भी उससे कुछ चीजें मिस हो गई। ओके, यानी एग्जांपल है, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है लेकिन उसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गया। दिस इज व्हाट ए टेक्निकल आंसर यू शुड अंडरस्टैंड। यानी ऑडिटर अप्लाइड हिज प्रोसीजर्स, ऑडिटर वाज स्केप्टिकल, ऑडिटर टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, ऑडिटर अप्लाइड इट्स जजमेंट, ऑडिटर पुट इट रिसोर्सेज, लेकिन देन ऑल्सो जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट था उससे मिस हो गया। इसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। इसको कौन सा रिस्क बोलते हैं बेटा? डिटेक्शन रिस्क। ये डिटेक्शन रिस्क है, यानी इसका मतलब एकदम सिंपल बोले, ऑडिटर ने काम किया लेकिन उससे मिस हो गया, उससे संभावना छूट हो गई, मतलब उससे मिस हो गया। क्या मिस हो गया सर? मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिस हो गया। अब मेरे को बताओ डिटेक्शन रिस्क, टेक्निकली स्पीकिंग डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके, इट डिपेंड्स ऑन आरएमएम। अगर आरएमएम बहुत ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क को एकदम कम करना पड़ेगा। ओके, याद रखना आरएमएम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, डिटेक्शन रिस्क हम रखते हैं, यानी अपन अपने रिसोर्सेस लगाते हैं। अगर आरएमएम ज्यादा है तो काम ज्यादा करेगा, रिसोर्सेस ज्यादा लगाएगा, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ज्यादा करेगा, तो इसका मतलब फिर डिटेक्शन रिस्क अपने आप कम होगा, क्योंकि मेहनत जितनी ज्यादा करेगा तो अल्टीमेटली डिटेक्शन रिस्क मतलब यार आपसे मिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे मालिक। और अगर आरएमएम कम है तो डिटेक्शन रिस्क तूने ज्यादा भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यानी अल्टीमेटली मेरे को बताओ डिटेक्शन रिस्क और आरएमएम, मेरे को बताओ कंपनी के पास कौन सी चीज होती है? आरएमएम होता है, आरएमएम होता है, डिटेक्शन रिस्क रखना पड़ता है। ओके, यानी मेरे को बताओ डिटेक्शन रिस्क कौन डिसाइड करता है? ऑडिटर डिसाइड करता है कि इतना पॉइंट है। एकदम सिंपल एग्जांपल है, आपने चैप्टर छोड़ दिया, चैप्टर फोर्थ को छोड़ दिया आपने सिलेबस में एग्जामिनेशन में जाते वक्त, बात खत्म, तुमने डिटेक्शन रिस्क रख लिया। ओके, तुमने एक्सेप्ट कर लिया इतना रिस्क चल जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है चैप्टर 4 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही है ना, जब आपको लगता है आरएमएम कम है ओके, तो आपने डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रख दिया, आपने मेहनत नहीं की इसके ऊपर ज्यादा। ओके, आपने बोला चैप्टर 4 से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये आप डिसाइड करते हो। दिस इज व्हाट ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरएमएम डिटेक्शन रिस्क कम्स इनटू पिक्चर। तो मेरे को बताओ ओके, मैंने 3-4 आंसर खत्म किए हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पहला पॉइंट ओके, मेरे को बताओ ओके व्हाट इज एन ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला। तो ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला आपका पहले कवर हो गया है, आरएमएम मल्टीप्लाई बाय डीआर, ये समझ में आ गया। उसके बाद मैंने बोला आरएमएम कौन से लेवल पे है, दो लेवल पे, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक है असर्शन लेवल पे। उसके बाद मैंने पूछा आरएमएम के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो दो है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। और उसके बाद और एक सवाल पूछा मैंने, आरएमएम का डेफिनेशन क्या है, आरएमएम का फॉर्मूला क्या होगा, आरएमएम और ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला क्या होगा, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से इधर तक टेक्निकली समझ में आया आंसर, और डिटेक्शन रिस्क अपने डिस्कस कर लिया, द रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्मड बाय ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूं टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क मतलब उससे मिस नहीं होना चाहिए। सर कौन सा मिस नहीं होना चाहिए? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया उसने और मॉडिफाइड होना चाहिए था, ये ना हो उससे। मेरे को पता मॉडिफाइड होना चाहिए था मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिस हो गया उससे, ये नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क का कॉन्टेक्स्ट। एवरीबॉडी क्लियर? इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? इसके बाद फिर जो बचा हुआ एक फैक्टर का क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। मेरे को बताओ ओके एवरीबॉडी क्लियर है मालिक? ओके, जो आते जा रहा है जाते जा रहा है प्लीज लाइक ठोकते जाओ मालिक, लाइक ठोकते जाओ, तोड़ लगाओ ओके, तोड़ करो मालिक, कॉन्सेप्ट इधर तक क्लियर है मालिक? ओके, अब सवाल होता है, अब एक सवाल उठता है सर, सवाल क्या उठता है जब हम कंट्रोल रिस्क डिफाइन करते हैं? अब मेरे को बताओ कंट्रोल रिस्क में अपन क्या देखते हैं? कंट्रोल रिस्क में मेरे को बताओ क्या देखते हैं? कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के बाद देखते हैं या कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के पहले देखते हैं? कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के बाद देखते हैं। तो इसका मतलब कंट्रोल रिस्क में हम कंट्रोल इंप्लीमेंट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल इंप्लीमेंट कर देते हैं ओके, प्री मतलब अपन कंट्रोल डाले हुए हैं और कंट्रोल प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, करेक्ट नहीं कर पा रहे, ये अपन चेक कर रहे हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, ये पॉइंट चेक कर रहे हैं अपन, ये पॉइंट कॉन्सेप्टली देख रहे हैं मालिक, इसी पॉइंट को अपन को देखना है मालिक, इसी पॉइंट को अपने को देखना है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओके सर हमें क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए व्हेन डिटरमिनिंग कंट्रोल रिस्क। मैं आपको समझा दूं मालिक, आपका सबसे बड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग टास्क क्या है ऑडिट में? ऑडिट में सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है ओके फैक्टर्स के क्वेश्चन को करना। देखो बाकी सब तोड़ हो जाते हैं लेकिन फैक्टर्स के क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन को बहुत सटीक वे से समझना है। आंसर तो मैं रटा दूंगा, आंसर आपको फटाफट स्पीड में आपको भी समझ में आ गया कैसे होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होगा। तो जब भी मैं फैक्टर्स की क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊं तो बहुत सचेत से स्केप्टिक
प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ओके तो मैं क्या पूछ रहा हूं सर, ऑडिटर एसेस कर रहा है कंट्रोल रिस्क, क्या एसेस कर रहा है कंट्रोल रिस्क, मेरे को बताओ कंट्रोल रिस्क एसेस क्यों कर रहा है। अब मेरे को बताओ कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा टेक्निकली समझना, अगर कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कंट्रोल की डिजाइन बकवास है, क्योंकि अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है इसका मतलब कंट्रोल तो काम ही नहीं कर रहा है। पर ये टीओसी से नहीं समझता, हमारे टीओसी आगे करेंगे, आरएमएम करने के बाद अपन टीओसी करेंगे, और ये आपने चैप्टर 3 में देखा होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं आरएमएम, आरएमएम करने के बाद क्या करते हैं टीओसी, इज द पॉइंट क्लियर। तो मेरे को बताओ टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए आरएमएम तो बेस ही रहेगा। अब मेरे को बताओ आरएमएम बहुत ज्यादा है तो टीओसी अपन करने की जगह सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करेंगे, ये लॉजिक बैठता है अपना, ओके। और आरएमएम कम है तो टीओसी, ये कंटेक्स्ट है। तो सवाल क्या है, सवाल पे एम्फसाइज रखिए, सवाल ये है ऑडिटर एसेस करता है कंट्रोल रिस्क एस टू रिलाय और नॉट टू रिलाय ऑन कंट्रोल, समझ में कुछ आ रहा है? यानी अगर कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा हो गया तो वो कंट्रोल पे रिलाय करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल तो वैसे ही फेल हो रहा है। और कंट्रोल रिस्क कम है तो क्या कंट्रोल पे रिलाय करेगा? आंसर इज यस। तो सवाल ये है, सवाल ये है कि जब ऑडिटर कंट्रोल रिस्क को एसेस करेगा, क्या करेगा बेटा? कंट्रोल रिस्क को एसेस करेगा। मेरे को सारी आत्मा रिपीट करने वाली चाहिए, ओके रिपीट करने वाली चाहिए, आवाज बरबर आ रही है, एक बार मेरे को बता दो, तोड़ चल रहा है कंटेंट को, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मालिक? एवरीबडी एक सेकेंड, ये एवरीबडी सबको बराबर चल रहा है? सबको जेब्रा बराबर जेब्रा ना? ओके परफेक्ट, ओके मेरे ख्याल से बस मैं वो चेक कर रहा था, मेरे को आ रहा कि नहीं, कभी कभी मालूम नहीं पड़ रहा था, तो तोड़ मालिक, बढ़िया बढ़िया, ओके। It means these are the factors whether to rely on control by seeing the design of control. Answer is yes. Okay, so मालिक मैं यही समझा रहा हूं, तो मतलब control पे rely करे कि नहीं rely करे, इसके मेरे को बताओ control पे rely करे कि नहीं करे? Okay, मेरे को बताओ RMM करना पड़ेगा, एवरीबडी ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन आरएमएम करने के लिए दो रिस्क करने पड़ेंगे, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क तो आपको इमेजिन करना है कि कंट्रोल ही नहीं है, तो वो तो बहुत आसान होता है क्योंकि अज्यूम करते हैं भाई कुछ नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल रिस्क करना है तो कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल डिजाइन देखना पड़ेगा। तो डिजाइन में मतलब क्या, कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पज के लिए कंट्रोल डाला है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कल, डेफिनेटली इसकी चीज को क्लियर करूंगा, लेकिन अभी के लिए एजेंडा बता देता हूं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके मेरे को बताओ इस रूम में आने के दो रस्ते हैं, दरवाजा और खिड़की। अब मेरे को टेक्निकली बताओ, ओके कंट्रोल कहां पर डालना चाहिए, दरवाजे पे या खिड़की पे? ओके टेक्निकली स्पीकिंग दरवाजे पे डालना चाहिए, क्योंकि रिस्क किधर ज्यादा है, दरवाजे पे ज्यादा है, खिड़की पे रिस्क कम है, इसलिए रिस्क ज्यादा है, उधर कंट्रोल डालोगे आप ज्यादा डालोगे, यही कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है। यानी ऐसा हुआ होगा कंपनी ने क्या किया होगा, मान में खिड़की पे कंट्रोल डाल दिया, अब मेरे को बताओ खिड़की पे कंट्रोल डाल दिया, दरवाजे पे कंट्रोल नहीं है, यानी चोमूपना हो गया मालिक, ओके क्यूटपना हो गया। अगर आपको सबको याद है, जिसको याद है क्यूट मतलब क्या, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, तो आप टेक्निकली सोच के बताइए, ओके क्या ये लॉजिक समझ रहा है? तो यही अपन देख रहे हैं। अब मेरे को बताओ कंट्रोल रिस्क असेस करने के लिए फैक्टर्स क्या है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत आसान सा आंसर है, आंसर में कोई दम नहीं है मालिक, लेकिन फैक्टर्स, तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग कंट्रोल रिस्क। यानी जब मैं कंट्रोल रिस्क डिटरमाइन करूंगा, जब मैं पता करूंगा कि भाई कंट्रोल पे आगे रिलाय करे कि नहीं करे, कंट्रोल पे रिलाय करे कि नहीं करे, ओके इसको पता करते वक्त ओके फैक्टर्स क्या होंगे। तो सर इसके क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि आप ऑडिटर हो, एक कंपनी में जा रहे हो, हेरा फेरी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके ऑडिटर हो आप, उधर जा रहे हो, उधर काम करने जा रहे हो, अब आप आरएमएम कैलकुलेट कर रहे हो, आरएमएम कैलकुलेट करते वक्त आपने इनहेरेंट रिस्क अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, अब आप कंट्रोल रिस्क कैलकुलेट कर रहे हो, और जब कंट्रोल रिस्क कैलकुलेट किया जा रहा है उस टाइम पे आपको, आप कंट्रोल रिस्क इसलिए कैलकुलेट कर रहे हो क्योंकि आपको कंट्रोल पे रिलाय करना कि नहीं करना फ्यूचर पे वो देखना है, ओके इसीलिए उसके फैक्टर्स क्या है। अगर गलती से भी किसी फैक्टर्स ऑफ टीओसी लिख लिए, जो आप चैप्टर 3 में पढ़ते हो, 3A में, अपने एग्जांपल में 3A में पढ़ते हो, आप गड़बड़ कर दोगे। तो इधर आपको ये समझना है कंट्रोल रिस्क कब देखा जाता है, कंट्रोल रिस्क टीओसी में नहीं देखा जाता, टीओसी में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखा जाता है, समझ में आ रहा है? टीओसी में हम क्या देखते हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, टीओसी में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कंट्रोल ऑपरेटिंग बराबर कर रहा है कि नहीं, कंट्रोल रिस्क इज नथिंग टू डू विद ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ओके इज दैट पॉइंट क्लियर। तो यहां पर अपन कंट्रोल रिस्क पता करते हुए क्या क्या फैक्टर देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंट्रोल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ओवर कंट्रोल कैसा है, कंट्रोल एनवायरमेंट मतलब ओके इफ रिमेंबर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का पहला पॉइंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट, हमारे टीसीएफजी कैसा है, हमारे मैनेजमेंट कैसे है, क्या वो बहुत अच्छे से काम करते हैं कि नहीं, इसके ऊपर कल सवाल आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का, क्योंकि आज अपन घंटे भर में जितना होगा उतना करेंगे, फिर कल अपन करेंगे डे आफ्टर टुमारो, ऐसा करके 12 दिन में, यानी आज की डेट अपने पास क्या है मालिक 17/27/28 तक अपन इस चीज को क्लोज कर लेंगे, ओके पूरा सिलेबस को, ओके जिस दिन मन किया उस दिन एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे रात तक लेट तक, लेकिन लॉजिकली उस तक क्लोज हो जाएगा मालिक, तो पक्का क्लियर, ओके बस आप एजेंडा लेके बैठ जाओ कि रोज रोज ही खत्म कर लेने का, ओके तो इसका मतलब आपका ऑडिट साथ साथ में खत्म हो जाएगा रात को मालिक, ओके तो अब सवाल ये है कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है। अब मेरे को बताओ कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा तो कंट्रोल रिस्क होने की संभावना कम होगी, लॉजिक ये है। इवैल्यूएशंस ऑफ कंट्रोल, अगर कंट्रोल के इवैल्यूएशंस अच्छे से हो रहे हुए तो भाई
भाई इसके पॉइंट ये रहेगा। टेस्टिंग अप्रोच आप करें, अच्छा इवैल्यूएशन में अपन क्या करते हैं मेरे को बताओ, इवैल्यूएशन जब आप इवैल्यूएट करते हैं कुछ चीज को, ओके अगर इवैल्यूएशन करने के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए लोग है तो मेरे को बताओ कंट्रोल रिस्क होने की संभावना कम होगी, लेकिन मॉनिटरिंग करने वाले लोग नहीं है तो कंट्रोल रिस्क होने की संभावना ज्यादा होगी। ओके टेस्टिंग अप्रोच आपका कैसा है, अब मेरे को बताओ अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करने वाले होंगे तो मेरे को बताओ कंट्रोल रिस्क को पकड़ने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करने की इच्छा कर रहे हो तो आपको टीओसी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। याद रखना अगर टीओसी ज्यादा किया है और टीओसी इफेक्टिव आया तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप कम कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आपका टेस्टिंग अप्रोच क्या है ये बताइए, तो पहला पॉइंट ओके अच्छा क्वेश्चन वापस समझ में आया, ओके फैक्टर्स क्या है कि भाई कंट्रोल रिस्क पता करना है, क्या पता करना है कंट्रोल रिस्क, तो कंट्रोल रिस्क पता करने के लिए फैक्टर्स क्या है, तो चार फैक्टर्स है, सबसे पहला एनवायरमेंट देखो, सेकंड इवैल्यूएशन कैसे है, तीसरा सिनेरियो टेस्टिंग अप्रोच कैसा है, एंड चौथा सिनेरियो एक्सपेक्टेशन कैसा है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, आपको एक्सपेक्टेशन कैसे, अगर आपका एक्सपेक्टेशन है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा होगा तो भाई यार कंट्रोल रिस्क पता करो, अगर आपको पहले से पता है कि ऑपरेटिंग मतलब आप कंट्रोल बहुत अच्छा है यानी दरवाजे पर खड़ा है लेकिन साला कोई खड़ा ही नहीं रहता, ओके होली खड़ा ही नहीं रहता, होली चेक ही नहीं करता, अब मेरे को बताओ इस केस में कंट्रोल रिस्क बहुत अच्छा होगा, मतलब कंट्रोल रिस्क मतलब क्यों करें अपन कंट्रोल रिस्क जब अपने को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस मालूम है कि नहीं खराब है खराबी है, तो ये चार फैक्टर अपने को ध्यान रखना है सर, कब देखना है कंट्रोल रिस्क के टाइम पे, याद रहेगा मालिक फटाफट याद करो मालिक फटाफट याद करो, मैं बोल रहा हूं कंट्रोल रिस्क पता करने के लिए, कंट्रोल रिस्क पता करने के लिए या कंट्रोल पे रिलाय करे या नहीं करे, मैं वापस बोल रहा हूं कोई टीओसी में गया ना मां कसम फूक जाएगी, मैं वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे, कंट्रोल पे रिलाय करे या नहीं करे, कंट्रोल रिस्क पता करे, दो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़, दो पॉइंट को पकड़, कंट्रोल पे रिलाय करे कि नहीं करे, कंट्रोल रिस्क पता करने के लिए क्या फैक्टर होंगे, चार फैक्टर, सबसे पहले एनवायरमेंट कैसा है, दूसरा पॉइंट ओके इसके इसमें क्या कर रहे हैं, ओके अपन क्या कैसे कर रहे हैं परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं, तीसरा सिनेरियो हमारा टेस्टिंग अप्रोच क्या होगा, और चौथा सिनेरियो हमारा एक्सपेक्टेशन अबाउट ऑपरेटिंग फिटनेस कैसा है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जाएगा, इज दैट पॉइंट क्लियर, चारों पॉइंट क्लियर है मालिक, तोड़ मालिक तोड़ तोड़ बैठना चाहिए, इससे अपना पहला पार्ट खत्म हो जाता है दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क में अगर आप देखोगे तो ऑडिट रिस्क में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, ऑडिट रिस्क में आपको मैंने ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन पढ़ाया, फिर आरएमएम पढ़ाया, फिर मैंने आपको डीआर पढ़ाया, फिर मैंने आरएम के ओके इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क पढ़ाया, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल असर्शन लेवल पढ़ाया, और उसके बाद एक फैक्टर्स का क्वेश्चन पढ़ाया, और फैक्टर्स का क्वेश्चन कौन सा था मालिक, फैक्टर्स कंट्रोल पे रिलाय करे कि नहीं करे, कंट्रोल पे रिलाय करे कि नहीं करे, कंट्रोल पे रिलाय करे कि नहीं करे, ओके या कंट्रोल रिस्क असेस करे उसके लिए कैसे क्या काम करना, तो कितने फैक्टर्स है एक बार रिपीट कर फटाफट, फैक्टर्स कितने फैक्टर्स है, चार फैक्टर्स, सबसे पहला एनवायरमेंट कैसा है, दूसरा पॉइंट फटाफट बोल दूंगा, पहला पॉइंट एनवायरमेंट कैसा है, दूसरा पॉइंट इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, तीसरा पॉइंट टेस्टिंग अप्रोच क्या है, चौथा पॉइंट एक्सपेक्टेशन क्या है, ओके इसका कोई भी शॉर्टकट भी बना पर मेरे को नहीं लगता कि शॉर्टकट टाइम पास करना चाहिए, तुमने शॉर्टकट याद रखने में, इस पॉइंट आप बोलोगे मेमोरी कोड याद रख लेते हैं सर सी है ओके फिर ई है फिर टी है, अभी ये सब करने से अच्छा ना बचकानी हरकत मत कर, थोड़ा सा मैच्योर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है ओके चुमू बना मत कर, एक हाथ दो क्वेश्चन तक ठीक रहेगा अगर आप याद रखोगे, लेकिन मेरे को बताया चैप्टर फोर्थ में ऐसे तू शॉर्टकट बनाते जाएगा ना आधी जिंदगी चली जाएगी मालिक, ओके तो तेरे को समझ में नहीं आएगा, इवैल्यूएशन का कॉन्टेक्स्ट याद रखना मालिक, इवैल्यूएशन भी क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी क्लियर इवैल्यूएशन, ओके इवैल्यूएशन का कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है कि हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं कि नहीं, मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं, मॉनिटरिंग देखो जितना आज अच्छा टेक्निकली मेरे को बताओ अगर मैं आपने मॉनिटर करूंगा, ओके आप मॉनिटर करूंगा, आप मॉनिटर करूंगा, मैं आपको मॉनिटर करूंगा तो मेरे को बताओ आप पढ़ाई ज्यादा करोगे अच्छे से करोगे, लेकिन मॉनिटर नहीं करूंगा पढ़ाई कम करोगे, ओके टेक्निकली वैसे ही है, इवैल्यूएशन जितना अच्छे से होता होगा तो उतना कंट्रोल रिस्क कम होगा, और जितना इवैल्यूएशन कम होगा उतना कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा, तो अपन कंट्रोल अच्छा इवैल्यूएशन ज्यादा होगा तो कंट्रोल पे रिलाय कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कम है तो कंट्रोल पे रिलाय नहीं कर सकते, दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, बेस्ट पॉइंट है, आत्मा क्लियर, यहां पर की कहानी खत्म हो गई, अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे अगले पड़ाव पे, दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट, तो बड़े मालिक रिस्क असेसमेंट में ओके तोड़ मालिक, ओके इवैल्यूएशन ऑफ आईटी प्रोसेस है, प्रोसेस के इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन करना मालिक, ओके भारत माता की जय, जय भाई मालिक, लॉजिकल है, लॉजिकल पॉइंट पढ़ रहा है मालिक, ओके गौरी जी आपने लिखा था, गुरु भाई आपने लिखा था लॉजिकल पॉइंट है, पर मिटा क्यों दिया मालिक, मिटाने का क्या था मालिक, डरने का क्या इस दुनिया से, ओके आपने जो सोचा वो करने का मालिक, तोड़ मालिक, भारत माता की जय, जय भाई मालिक, एवरीबॉडी क्लियर, ओके इसके बाद वाला सिनेरियो आता है, ओके आपके लिए दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट, अब रिस्क असेसमेंट की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मालिक, मेरे ख्याल से तोड़ चल रही है कहानी, रिस्क असेसमेंट की कहानी को क्या बढ़ाए मालिक, ओके अभी क्वेश्चन देखो, अभी एक चीज ये चीज ध्यान रखो, जब आप रिवीजन में हो आपको मालूम पड़ रहा है चैप्टर फोर्थ चल रहा है, इसमें दूसरे सवाल मत पूछो, चैप्टर टेंथ भी कराओगे क्या, दूसरे भी कराएंगे, करेंगे सब करेंगे मालिक, आप है ना स्टार्टिंग से लेक्चर में देखिए सब आगे होने वाला है, तो आप है ना दूसरे सवाल मत पूछिए, चैप्टर फोर्थ का कुछ कंटेक्स है तो पूछिए, ओके बाकी आगे बढ़ते जाइए, ओके आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए, आत्मा क्लियर, ओके तो तोड़ मालिक, भारत माता की जय, ओके बढ़िया मालिक,
ओके अगले पॉइंट पे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ओके सर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। अब यहां पर दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक आपसे पूछूंगा आरएपी, दूसरा आपसे पूछूंगा आरएपी। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, दो जगह आरएपी आरएपी ओके रैप रैप नो मालिक। एक पॉइंट है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और एक पॉइंट होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बिफोर दैट मेरे को बताओ एसए 315 का नाम क्या है। एसए 315 का नाम है आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग ए एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। यानी हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को समझेंगे ओके, कैसे आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे और कैसे एंटिटी को समझेंगे और इसके एनवायरनमेंट को समझेंगे। तो हमको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। अब सवाल ये आता है सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में कितने कंपोनेंट है, मेरे को बता। ऊपर पढ़ा था मैंने, देखो दो कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अब उसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैसे असेस करते हैं, ये सवाल चल रहा है। समझ में आया, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एसेस कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे। तो इसमें दो सवाल होंगे। पहला सवाल होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, सबकी आत्मा एकदम तोड़ी रहनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होगा। और एक रहेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ओके सर प्रोसीजर और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, जब मैं प्रोसीजर की बात करूंगा तो हम क्या मेथड यूज करेंगे वो आपको लिखना होगा प्रोसीजर में, और प्रोसेस है मतलब एक तरीका होगा, एक स्टेप्स होंगे। ओके तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को पहले कवर करते हैं। ओके फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका आंसर भी आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करना है। अच्छा मेरे को याद करके बताओ, मैं मालिक थोड़ा सा टेक्निकली वापस आपको रिपीट करते रहूंगा लेकिन ये रिपीट की बहुत जरूरत होगी। मेरा क्वेश्चन है मेरे को बताओ कंट्रोल पे रिलाय करे कि नहीं करे, इसके फैक्टर समझ में आ गए, चार फैक्टर्स। अब सवाल आता है ओके रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ये फैक्टर है ओके, तो हम आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर मेरा सवाल आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है, क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है। क्या करना है मालिक, आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है। क्या मैं मेरे को वापस नहीं आवाज नहीं है। ओके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है। इसके फैक्टर्स क्या, इसके फैक्टर्स भी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही माने जाएंगे। सर कितने फैक्टर्स है, चार फैक्टर्स। सर पहले क्या करना, अरे पांच आंसर है। सबसे पहले क्या करने का, आइडेंटिफाई करने का, उसके बाद क्या करने का, असेस करने का, उसके बाद व्हाट कुड गो रॉन्ग। और मेरे को बताओ जो गलत हो सकता है, क्या 100% गलत हो सकता है, नहीं, उसके चांसेस है, क्या कितना चांसेस है, लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो चार चीजें हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, दूसरा पॉइंट उसको असेस करो, आइडेंटिफाई करो। सर आइडेंटिफाई क्या करना, ओके जहां पर आपको आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द अंडरस्टैंड करो एंटिटी को, एनवायरमेंट को समझो और आइडेंटिफाई करो। क्या करो, आइडेंटिफाई रिस्क आइडेंटिफाई करो। ओके आपको पता चलना चाहिए इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करो। इसीलिए मैंने एलडीआर समझाया, आईडीआर लिस्ट दी हुई है ओके, आपको मालूम होगा उस कॉन्टेक्स्ट में आप ये आइडेंटिफाई करो, किस कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफाई, समझ में आ रहा है मालिक, ये आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा पॉइंट है एसेस करो, एसेस मतलब उसका इंपैक्ट कितना हो सकता है। ओके इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन है ओके वो आ सकते हैं, ये आइडेंटिफाई किया, उसके बाद वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकते हैं ये पता करो, दैट इज कॉल्ड एसेस करना। तीसरा पॉइंट व्हाट कुड गो रॉन्ग, ओके यानी बाय चांस आपने ये चैप्टर में क्या नहीं पढ़ा तो क्या वो गलत जा सकता है क्या, यानी आपने जो छोड़ दिया क्या वो गलत जा सकता है क्या, दैट इज लॉजिकली कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट कुड गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग, ये पता करिए। एंड चौथा पॉइंट ओके जो जा सकता है, जो आपने छोड़ा है वो आपने पढ़ जो पढ़ा तो पढ़ लिया है एग्जाम के लिए, लेकिन जो छोड़ा है क्या वो छूट सकता है, आंसर इज यस। क्या वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यस। क्या वो 100% आ सकता है, अगर 100% आ सकता है तो आपने पढ़ना ही चाहिए, लेकिन 100% नहीं आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, लाइक्लीहुड कितना है। और अगर ये मानो पड़ गया, ये चार स्टेप हो गया, तो आपका काम खत्म हो जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के लिए। तो ये चार स्टेप के बाद मेरे हाथ में क्या आता है, ये चार स्टेप करने के बाद मेरे हाथ में मेरे को मानो पड़ जाता ओके आरएमएम कितना है, क्या है आरएमएम। इफ रिमेंबर मैंने आपको एग्जांपल क्लियर बताया हुआ है, ओके मैंने आपको क्लियर समझाया था 300 आइटम है, याद आया कुछ, 300 आइटम है, 300 आइटम का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना मालिक। 300 आइटम में से जब मैं ये स्टेप्स करूंगा ना, चार स्टेप्स, ये चार स्टेप में से 300 में ओके 40 में आरएमएम है, कितने में आरएमएम है, 40, अपना एग्जांपल हमेशा रहेगा 40 में आरएमएम है, इज दैट पॉइंट क्लियर, ओके सो 40 में आरएमएम है, ओके ये ध्यान रखना मालिक। सो सेकंड स्टेप टेल अस वेदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज रिस्क मिसस्टेटमेंट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रादर देन आई वुड सजेस्ट सेकंड स्टेप आपको अमाउंट या कुछ फिगर्स आपको देगा, एसेस करेगा। देखो आइडेंटिफाई और एसेस में क्या डिफरेंस होता है, आइडेंटिफाई ओके क्या गलत जा सकता है, ओके आइडेंटिफाई रिस्क कहां पर है, एग्जांपल दरवाजे पर रिस्क है, ओके खिड़की पर रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओके लेजर बनाते वक्त रिस्क है, ओके एक जर्नल बन रहा है, जर्नल एंट्री पास हो रही है, उधर रिस्क है, एक अमाउंट है 4 लाख की जगह 40 लाख लिखा जा रहा है, ये रिस्क है। आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, एसेस। अगर मैंने 4 लाख का 40 लाख लिख लिया तो इसका इंपैक्ट कितना होगा, ओके 36 लाख का इंपैक्ट होगा, 39,60,000 का इंपैक्ट होगा, ये एसेस हुआ, इज दैट पॉइंट क्लियर। सेकंड स्टेप में अपन उसको अमाउंट इंपैक्ट देख रहे हैं, एसेस कर रहे हैं उसको, असेसमेंट करना होता है उसका, फर्स्ट में आइडेंटिफाई करना होता है, सेकंड असेसमेंट करना होता है, तीसरा पॉइंट व्हाट कुड गो रॉन्ग। अब जैसे मैंने आपको बताया 4 लाख का 40 लाख जा सकता है, ओके व्हाट कुड गो रॉन्ग, इसके साथ में और क्या क्या गलत जा सकता है। अब मेरे को बताओ 40 लाख अगर एक एंट्री में गलत गया, क्या दूसरी एंट्री में भी गलत जा सकता है, तो क्या क्या गलत जा सकता है, और क्या 100% गलत जाएगा, आंसर इज नो। तो ये क्या होगा, लाइकलीहुड हो गए, तो चांसेस लिखने चाहिए। पर मैं आपको बता रहा हूं चांसेस, एग्जांपल अब चैप्टर 4th में से आपने जो चीज छोड़ दी ओके वो कितने मार्क्स लिया थी, क्या आते हैं इसका, ये कैलकुलेट करने के बाद चार स्टेप के बाद आपको आरएमएम मिलता है, क्या मिलता है आरएमएम। और मैं आपको एकदम
सिंपल सा बता दूं. ओके तो कैन सर असेसमेंट कैन ऑल्सो टेल अस अबाउट परवेजी इफेक्ट. ओके कार्तिक ये चीज को एकदम तुमने टेक्निकली देना है. ओके असेसमेंट करते वक्त अगर अपने को समझ में आ रहा है एनी और मेनी असर्शंस इफ यू रिमेंबर. ओके एनी और मेनी असर्शन तो अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कॉन्सेप्ट जाना है और फिर खत्म है. फिर तो आप ये देखिए 300 में से तो कुछ भी गलत जा सकता है. फिर मेरा 300 में से तो कुछ भी गलत जा सकता है मालिक. यार ये पेंसिल कैसे बंद हो गई मालिक. पेंसिल 300 में से कुछ भी गलत जा सकता है. अबे यार ये पेंसिल को क्या हो गया अभी. अबे चोमू है. एक सेकंड ना मालिक. ओके 300 में से कुछ भी गलत जा सकता है. भाई चल जा भाई चल आई शबाश. 300 में से कुछ भी गलत जा सकता है. जितना ज्यादा गलत जाएगा उसका परवेस इफेक्ट होगा. तो आइडेंटिफाई करने के बाद एसेस करते वक्त अगर अपने को लग गया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आगे तो देखना भी नहीं है ना. लाइकलीहुड क्यों देखना है फिर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो खत्म करो ना मालिक. ओके तो अब मेरे को बताओ जिसमें आरएम बहुत ज्यादा होगा उसमें आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होगी. डिटेक्शन रिस्क आपको बहुत कम रखना पड़ेगा यार बहुत ज्यादा. और आपको खाली कुछ आइटम तक नहीं जाना होगा. आपको सारे आइटम में मेहनत करनी पड़ेगी. यहां पर अपने को अगर मैं एग्जांपल मेरा वाला ले रहा हूं 30 में से किसमें मेहनत ज्यादा करनी है 40 में. दैट्स इट. ओके सो इज दैट पॉइंट क्लियर. ये 4 पॉइंट खत्म कर लॉजिक बैठा मालिक. ओके 4 पॉइंट का लॉजिक बैठा मालिक. एवरीबॉडी क्लियर. तो मेरे को बताओ अगर क्वेश्चन आया रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कितना लिखोगे. 4 स्टेप. आइडेंटिफाई करो एसेस करो व्हाट कुड गो रॉन्ग लिखो और लाइकलीहुड लिखो. लाइकलीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी. एवरीबॉडी क्लियर. तो ये 4 स्टेप्स मुझे करने हैं. ओके आप समझ रहे हो ये फैक्टर्स है. ये 4 फैक्टर्स मुझे ध्यान में रखना है. ये 4 स्टेप्स मुझे करने हैं. क्वेश्चन ये है थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं. मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझना है. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या. ओके मेरा क्वेश्चन है मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं सर. मैं इसको एसेस कैसे करूं सर. ओके मैं आपने बता दिया आइडेंटिफाई करना है. आपने बता दिया एसेस करना है. आपने बता दिया व्हाट कुड गो रॉन्ग है. ओके पर व्हाट कुड गो रॉन्ग ये कैसे पता करूंगा. ऐसे सपना आएगा क्या व्हाट कुड गो रॉन्ग. ऐसा नहीं होएगा मालिक. ये पता करना पड़ेगा आपको. व्हाट कुड गो रॉन्ग ये पता करना पड़ेगा मालिक. ओके आप समझ रहे हो मालिक. ये इंटरप्रिटेशन क्लियर रखिए मालिक. तो व्हाट कुड गो रॉन्ग. ओके ये सब कैसे पता करेंगे इसको हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. तो आप याद रखना प्रोसेस क्वेश्चन आया तो एग्जामिनेशन में आंसर अलग होगा. प्रोसीजर क्वेश्चन आया तो आंसर में अलग होगा. सर मुझे कैसे समझेगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा आया हेरा फेरी लिमिटेड का तुम ऑडिट कर रहे हो. तुम ऑडिटर माने गए हो. तुम ऑडिटर अपॉइंट किए हुए. अब ऑडिटर अपॉइंट करते वक्त आपको आरएमएम कैलकुलेट करना है. अब आरएमएम कैलकुलेट करते वक्त आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे. ओके आपको कौन से प्रोसेस फॉलो करने होंगे ये आपका क्वेश्चन आया. तो आप कौन से प्रोसेस फॉलो करोगे. तो आप प्रोसीजर मत लिखना प्रोसेस. क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना. स्केप्टिकल रहना. मैं वापस बोल रहा हूं आपने ऑडिट में क्वेश्चन अच्छे से इंटरप्रिटेशन किया ना तो मालिक बहुत तोड़ हो जाता मालिक. ओके तो क्वेश्चन क्या होगा अगर प्रोसेस का क्वेश्चन आया तो आपको प्रोसेस में कितने स्टेप लिखने हैं. 4 आइडेंटिफाई करो एसेस करो. ओके व्हाट कुड गो रॉन्ग लाइकलीहुड. लेकिन क्वेश्चन आया ओके भाई यार आपने आरएमएम किया है. आरएमएम में आपको आइडेंटिफाई करना है एसेस करना है व्हाट कुड गो रॉन्ग आया ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में बकायदा ये सब करना है. अब सवाल यह उठता है कि ये करने के लिए आपके पास प्रोसीजर्स क्या है. तो अब ये शायद ऐसा वर्ड ना दे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. आपको एक घुमा के बोले प्रोसीजर क्या होंगे. तो प्रोसीजर के लिए आपको ध्यान रखना मालिक. ओके प्रोसीजर के लिए ओके वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके हम प्रोसीजर के लिए हम क्या करेंगे मेथड्स. ओके यहां पर गुरु भाई बोलते हैं टूल्स कभी नहीं बोलते इसमें. ये टूल्स नहीं होते. टूल्स के लिए आप टेक्निकली देखना टूल्स कभी नहीं होते. ये मेथड्स होते हैं. ओके ये मेथड्स होते हैं प्रोसीजर होते हैं. टूल्स प्रोसीजर के अंदर और कुछ करेंगे वो टूल्स माने जा सकते हैं. ओके एक टेक्निकली स्पीकिंग और थोड़ा सा चाहिए तो कल मैं आपको इस पे क्लैरिटी दे सकता हूं. कल नहीं परसों केस में जब ये चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा. ओके लेकिन कल वाले पॉइंट पे मतलब ये पॉइंट पे आप ये समझिए मेथड्स है ये प्रोसीजर्स है ये मेथड्स है. सर कितने मेथड्स है यहां पर मेरे लिए. अगर आपको याद होगा टोटल अपने लिए कितने मेथड्स है यहां पर टोटल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए. ओके आपके लिए मेथड्स क्या होगा. तो सबसे पहला पॉइंट ओके मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे जा रहा हूं डायरेक्टली पहले आंसर पे. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे अपने पास मेथड्स कितने हैं. इंक्वायरी है एनालिटिकल प्रोसीजर है ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन है. मैं आपको बता रहा हूं आप प्लीज अच्छे से ध्यान देना क्योंकि वैसे मैं तो रिवीजन बुक से जा रहा हूं लेकिन मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं तो इसके मसाले पे भी जाऊंगा. तो आप प्लीज ध्यान देना. अगर आपने गड़बड़ कर दी तो बहुत 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 गड़बड़ हो जाएगी मालिक. प्लीज मतलब बॉस ऑडिट में यही तो प्रॉब्लम है ना वर्डिंग्स की गड़बड़ करते ना मालिक. तो भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कितने प्रोसीजर है. ओके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में 3 प्रोसीजर है सर. पहला प्रोसीजर इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट करेंगे यानी हम लोग क्या करेंगे. ओके ये टेक्निकली आंसर ऐसा आता है सर. सर हम लोग जब ऑडिट में जाते हैं तो सबसे पहले बोलेंगे ओ मैनेजमेंट ओ डीसी जी हमारे ऑडिट पे. ओके कोई एरिया के हमने देखना चाहिए फिर अपने को मैनेजमेंट बोलता है टीसीएफ जी बोलता है इंटरनल ऑडिटर बोलता है वो कुछ आइडिया देते हैं और वो आइडिया देते हैं. तो अपने को 300 में से जो 40 निकालना है वो 40 निकालने के तरीके देख रहे हैं.
तो पहला पॉइंट हमको कैसे मालूम पड़ेगा वो 40 में मेरे एग्जांपल में 300 में से 40 है, सब लोग क्लियर है 40 में आ रहे हैं ना, मैं वो 40 कैसे निकले, तो इंक्वायरी करके निकले। कैसे निकले मालिक? इंक्वायरी करके निकले। एवरीडी क्लियर? तो इंक्वायरी सर किसकी करते हैं? मैनेजमेंट की, अदर विद इन द एंटिटी। इसमें याद रखना TCWG की करते हैं अपन, इंटरनल ऑडिटर की करते हैं, इन हाउस लीगल काउंसिल की करते हैं। लीगल काउंसिल मतलब लॉयर, ओके, इन हाउस रहा तो। उसके अलावा अपन सेल्स पर्सनल की करते हैं, मार्केटिंग वाले की करते हैं। ये लॉजिक बैठा जाता है, भारत माता की जय, जेपा क्या मालिक, इधर तक एवरीबॉडी ओके। ये वाला पॉइंट याद रखना इंक्वायरी। दूसरा पॉइंट आता है एंटिकल प्रोसीजर। मेरे ख्याल से आपको यह समझना जरूरी होगा और यहां पर ही बहुत सचेत रहना होगा, स्केप्टिकल। एंटिकल प्रोसीजर में प्लीज मेक ए श्योर यू हैव ए नोट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। एंटिकल प्रोसीजर में दिक्कत क्या है? एंटिकल प्रोसीजर में दिक्कत यह है कि सर अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर आता ही है, ओके, अपने को चैप्टर 8 आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर आता है और अपन बाप है उसके अंदर, ओके सर। एग्जांपल बोलता हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर में अपन ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, शायद आपको याद होगा, ट्रेंड पैटर्न निकालते हैं, ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर में ऐसे ही करेंगे हम लोग। लेकिन यहां पर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में अपन क्या करेंगे, और चैप्टर 8 में जब एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो इधर का एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो चैप्टर 8 है उसमें डिफरेंस क्या है, प्लीज मेक श्योर यू नोट कर रहे हो इसको, ओके। जब मैं यहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा हूं और वहां पर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा हूं, तो मैं एग्जांपल समझा देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं ट्रेंड निकालता हूं। एग्जांपल पिछले साल का सैलरी, 3 साल की सैलरी एग्जांपल निकालते हैं, ओके, रेंट निकालते हैं। एग्जांपल रेंट, पिछले साल का रेंट 2, पिछले साल 3 साल पहले का रेंट 20 लाख था, ओके, उसके पिछले साल का रेंट, ओके, 22 लाख हुआ, उसके एग्जैक्टली पिछले साल का रेंट 24 लाख है, तो मेरे को बताओ इस साल का रेंट कितना आना चाहिए? अप्रोक्सीमेट 26 लाख रेंज बताऊंगा मैं 26 लाख नहीं बताऊंगा, मैं 26 लाख, ओके, 26 लाख से 27 लाख के बीच में मैं एक रेंज बताऊंगा। एवरीबॉडी क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, इस रेंज को कंपेयर करूंगा एक्चुअल फिगर से। एवरीबॉडी क्लियर? ये चैप्टर 8 में करता हूं मैं। एक्चुअल फिगर में मैं देखता हूं, अगर मुझे एक्चुअल फिगर में 26 लाख मिलता है मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल फिगर में अगर मेरे को 20 लाख मिलता है या एक्चुअल फिगर में मेरे को 40 लाख मिलता है मैं शायद सरप्राइज हो जाऊंगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी यहां पर मैं क्वेश्चन मैं ये हो जाऊंगा, अरे भाई साहब ओके, यहां पर 20 लाख ये कैसे होता है, मतलब ये क्यों हुआ, अरे इतना ही होना चाहिए था, यहां पर क्या हुआ मालिक, ओके। तो यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना, ये करते हैं, ये कब करते हैं? चैप्टर 8 में। लेकिन यहां पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, ओके, अपन ट्रेंड निकालते हैं, पिछले साल के रेंट, ओके, मेरे को बताओ रेंट है, ओके, रेंट कितना था? 20 लाख, 22 लाख, ओके, 24 लाख। अब मेरे को बताओ क्या ये ट्रेंड मैच हो रहा है? आंसर इज यस। तो मेरे को बताओ ये ट्रेंड मैच हो रहा है तो इसको आरएमएम में डालेंगे नहीं। कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो, कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो, ओके। यहां पर अपन इंक्वायरी, अरे यार ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, अपन ने ऑडिट भी चालू नहीं किया पूरा, अपन जब टीओसी करेंगे और एसपी करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे, तब ये सब करते हैं। अगर डिफरेंस आया ना इतना बड़ा, हम पूछते मैनेजमेंट से आके, ए मैनेजमेंट क्या ये डिफरेंस आने का कारण बता। यहां पर ओके, जब एंटिकल प्रोसीजर किया जाता है, एंटिकल प्रोसीजर अपन पिछले 3 साल का देखेंगे, और 3 साल में अगर डिफरेंस अनयूजुअल लगा तो हम इसको आरएमएम की लिस्ट में ऐड करेंगे। कुछ समझ में आया? आरएमएम की लिस्ट में ऐड करना मतलब क्या करना, ओके, यानी इसमें अपन अगर डिफरेंस आया तो डिफरेंस की इंक्वायरी नहीं करते बैठेंगे, हम आरएमएम की लिस्ट में ऐड करेंगे। यानी आपकी 300 में से जो 40 की लिस्ट है वो 40 की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब रेंट है वो 40 की लिस्ट में ऐड नहीं होगा। लेकिन मेरे को बताओ, अगर पिछले साल का रेंट 20 लाख था, उसके बाद 40 लाख हुआ, उसके बाद 1 करोड़ हो गया, अब क्या यह अनयूजुअल हो रहा है? यह आपकी आरएमएम में लिस्ट में आ गया, यानी इसका मतलब रेंट पे आपने ध्यान देना है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, और एक चीज सबसे बड़ा डिफरेंस है, ओके, जो यहां पर ध्यान रखना होगा, जब हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, एक-एक आइटम 300 के 300 को नहीं करते, थोड़ा सा एग्रीगेट डेटा लेते हैं। सर एग्रीगेट डेटा एग्जांपल कैसे हो गया? एग्जांपल करंट एसेट्स का एनालिटिकल प्रोसीजर कर लेंगे, ओके, करंट लायबिलिटीज का एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, ओके, यानी अपन एग्रीगेट डेटा ले लेंगे। लेकिन जब अपन चैप्टर 8 में एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, अपन सेग्रीगेट डेटा को डिसएग्रीगेट किया जाता है। डिसएग्रीगेट मतलब एक-एक आइटम, बिकॉज़ फ्लक्चुएशन बहुत हो सकती है, और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी है तो चैप्टर 8 के टाइम पे अपन और ज्यादा देखेंगे। लेकिन इधर याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि एग्रीगेट डेटा का एनालिटिकल प्रोसीजर कब किया जाता है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में एग्रीगेट डेटा का एनालिटिकल प्रोसीजर किया जाता है, ओके, और अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हो तो आपका डिसएग्रीगेट डेटा होता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट अपने ध्यान रखना है। लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओके, और इसमें दो चीजें, इसमें दो डिफरेंस है, एक एग्रीगेट डेटा और इसमें हम इंक्वायरी नहीं करते, हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में ऐड करते हैं मालिक। इज दैट अंडरस्टैंडिंग आती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। इज दैट पॉइंट क्लियर? और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, यानी प्लांट फैक्ट्री में विजिट करेंगे, देखेंगे, ओके, यूजुअली मेरा फेवरेट एग्जांपल ये होता है, ओके, कैडबरी की फैक्ट्री में जाएंगे, देखेंगे। अब मेरे को बताओ क्या कैडबरी चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? आंसर इज यस। तो अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन करके, इंस्पेक्शन करके अपने को मालूम पड़ेगा, और हम शायद इन्वेंटरी को आरएमएम की लिस्ट में ऐड कर देंगे। 400 में से 300 में से जो 40 आइटम है वो 40 आइटम, यानी ये सब करके मेरे को वो 40 आइटम मिलते हैं मालिक।
ओके, लेकिन 40 आइटम निकालने के लिए मुझे ये चार पॉइंट करने पड़ते हैं, आइडेंटिफाई करो, एसेस करो, ओके व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड लाइकलीहुड देखो। भारत माता की जय, एवरीडे क्लियर मार्क। तो मैंने अगर आपको पूछा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बताइए, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बताइए, आंसर तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन केस स्टडी आएगा। तो केस स्टडी में सर कैसे ढूंढे, केस स्टडी में तो पहली बात तो रिस्क की बात होनी चाहिए, दूसरा प्रोसेस या प्रोसीजर की बात होनी चाहिए, तो ये टेक्निकली आंसर बैठेगा मालिक। ओके, इसके अलावा इसके बीच में ओके, मेरे ख्याल से मालिक एवरीडे क्लियर। ओके, अब एक छोटी सी चर्चा का विषय है, ओके शायद ट्रू एंड फॉल्स या करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू में आ जाए। ओके, मेरे को बताओ क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, तो मेरे को बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपने को 300 में से कितने में खराब मिला, कितने में एरर मिला, कितने में रिस्क मिला, 40 में। अब मेरा क्वेश्चन है क्या 40 को मैं बोल दूं ये खराब है, क्या 40 की वजह से मॉडिफाइड कर दूं ओपिनियन? अरे क्या मजाक कर रहे हो मालिक, ये 40 में एरर, 40 में क्या मटेरियल मिस्टेक में मिला या चांसेस मिले, चांसेस मिले 40 में, इज दैट पॉइंट क्लियर? 40 में क्या मिले मालिक, चांसेस मिले, ये पर नहीं है पॉइंट। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या ऐसा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, आरएम के बेसिस पे अपन रिपोर्ट दे देते ना? ओके, ये लोग एक स्टेटमेंट देते हैं, ये स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बाय देमसेल्फ हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन व्हिच बेस ऑफ ऑडिट ओपिनियन। समझ में आया? ओके, सो इसके लिए आपको एमसीक्यू वगैरह है, तो याद रखना आरएपी के बेसिस पे आप ओपिनियन नहीं दे सकते, बिकॉज आरएपी आपको एसएएई नहीं देता, एसएएई का फुल फॉर्म सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भारत माता की जय, कैन आई से ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैन आई से इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीबडी? एवरीबडी ओके, पक्का समझ में आ रहा मालिक? ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन पक्का क्लियर है? ओके सर, ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन है कि सर हमने ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया, सर एक बार बता देना ना कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोसीजर, हाउ टू डिफरेंशिएट क्वेश्चन में आएगा बेटा प्रोसेस एंड प्रोसीजर में। ओके देखो, प्रोसेस और प्रोसीजर में क्या फर्क है, देखो प्रोसीजर जब मैं पूछूंगा तो मेथड वर्ड यूज करूंगा, तरीका जिससे मैं इंफॉर्मेशन जमा करूंगा, तो आप वो तरीके पे देखिए मालिक, तरीके पे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या तरीके से मैं आपसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगा, तो आप मेरे को प्रोसीजर बताओगे। मैं बोलूंगा अगर मैं मेथड यूज कर रहा हूं और उसे मैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं तरीके यूज करके, वो तरीके से इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूं, मैं एसेस करने वाला हूं, व्हाट कुड गो रॉन्ग करने वाला हूं, और उसके बाद ओके मैं उसके लाइकलीहुड देखने वाला हूं। समझ में आया? यानी एग्जांपल ओके, इंक्वायरी करके मुझे मालूम पड़ रहा है एक आइटम में आरएमएम होने की संभावना है। अब ये समझ गया, अब मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, अब मैं इसको क्या करूंगा, एसेस करूंगा, फिर इसके बाद क्या करूंगा, व्हाट कुड गो रॉन्ग, और इसके बाद इसको आगे काम करूंगा। आत्मा क्लियर? यानी क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा ना, टेक्निकली आप ऐसे याद रखना, प्लीज मेरे भाइयों लोग, भाई और बहनों, प्लीज ये चीज ऐसे याद रखना कि अगर आपको पूछा गया है हम ये इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो प्रोसीजर लिखिए, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद क्या करेंगे, प्रोसेस याद रखिए। वैसे टेक्निकली प्रोसेस और प्रोसीजर वर्ड आना ही चाहिए, आ जाएगा बेहतरीन है, लेकिन नहीं आया तो भी कॉन्सेप्चुअली दिमाग में गया अभी। ओके, हम इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे वो कैसे करेंगे, तो आपके पास प्रोसीजर है। ओके, और ये ऑब्टेन करने के बाद क्या उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करेंगे, तो इंफॉर्मेशन के साथ छेड़खानी क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, एसेस करोगे, व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड लाइकलीहुड, इज दैट पॉइंट क्लियर? अभी मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, ओके तो फिर इसका मतलब, अब मैंने आपको सवाल पूछा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे आपने जो काम किया वो उसके बेसिस पे ओपिनियन नहीं दे सकते क्योंकि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। तो मेरा सवाल होता है क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे जो आपने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है क्या वो आगे एज ए ऑडिट एविडेंस यूज की जा सकती है? यस, याद रखिए वो आगे यूज की जा सकती है। देखो वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, लेकिन ऑडिट एविडेंस तो है ना मालिक, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है मालिक, लेकिन ऑडिट एविडेंस तो है मालिक, मेरे ख्याल से झेपा क्या मालिक, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज्ड एज ए ऑडिट एविडेंस, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होगी, ओके इन एडिशन द ऑडिटर में ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर जो भी रहेगा ऑडिटर में, याद रखिए ओके ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होना चाहिए। ओके सर क्या मेरे को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर खत्म होने के बाद ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है? ऐसा जरूरी नहीं है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चल रहा है साथ में सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग पहले आरएमएम आरएपी करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे और उसी के बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे। ओके यानी एग्जांपल अगर सपोज आज ही मैं आरएपी भी करने वाला हूं एसपी भी करने वाला हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा आरएपी, और आरएपी करने के बाद मैं एसपी करूंगा उसके ऊपर, उसके ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करूंगा। अभी आप लोगों के साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं, ओके सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए आपको 3B समझना पड़ेगा, 3A समझना पड़ेगा, ये 3A 3B का कॉन्टेक्स्ट रहेगा जो अपन चैप्टर 10th होने के बाद आगे देखेंगे। यानी मैं पहले एक 6-7 दिन के अंदर आपके 4 ओके 10th 3 उसके अलावा 12th वाला बैंक ऑडिट वाला ये चैप्टर कवर कर लेंगे मालिक। ओके ये वाले छोटे जो चैप्टर थे उसको कवर कर लेंगे मालिक। ओके और जैसे बैंक ऑडिट चैप्टर हो गए वो एक एक दिन में खत्म करते जाएंगे, बैंक ऑडिट हो गया वो छोटे छोटे चैप्टर वो एक एक दिन में क्लोज करते जाएंगे मालिक। तो भारत माता की जय, एवरीडे क्लियर मालिक, क्लोज करें इसको।
ठीक है बढ़िया। ओके और एक कॉन्सेप्ट आपका बचता है ओके, वो ये आता है कि सर क्या हमें केओसी करना चाहिए, क्या हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी करना चाहिए। आंसर इज यस। तो सर केओसी करने के लिए क्वेश्चन क्लियर है, केओसी करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी करने के लिए ओके, केओसी करने के लिए हमें करना क्या होता है। तो आपको मैंने बताया केओसी करने के लिए, आपको मैंने बताया केओसी करने के लिए करना क्या होता है। तो आपको याद रखना ओके, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके, ये पहला क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ केओसी, लेकिन उसके पहले मैं एरियाज ऑफ केओसी कर रहा हूं। ओके हाउ मेनी एरियाज ऑफ केओसी आर देयर। तो इसके लिए अगर आपको याद होगा मैं हमेशा बताता हूँ पांच पॉइंट पे, पांच पॉइंट कौन से हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हुआ, फिर अच्छा याद रखना जब ये पांच पॉइंट बता रहा हूं तो इसका टेक्निकल आंसर समझ लेना। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसके बाद टेक्निकली बताऊंगा। पहला पॉइंट है मैं एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन लूंगा, फिर मैं इंटरनल इन्फॉर्मेशन लूंगा, पहले बाहर की फिर इंटरनल, फिर पुरानी इन्फॉर्मेशन फिर नई इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद मैं अकाउंटिंग सिस्टम समझूंगा और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझूंगा। पांच चीजें समझ में आ रही है। तो सबसे पहले ये लोग क्या बोलते हैं, बाहर की इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये आप लोगे ठीक है। उसके बाद इंटरनल इन्फॉर्मेशन यानी इंटरनल नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, ऑपरेशन क्या है, ओनरशिप क्या है, गवर्नेंस क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ओके वे ऑफ एंटिटी स्ट्रक्चर कैसी है, फाइनेंस कैसा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, डेप्ट कितना है, ओके शेयर कैपिटल कितना है, ये देखना है। उसके अलावा ओके भाई पुरानी इन्फॉर्मेशन, पुरानी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पुरानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लो ओके, दो चार साल पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो उसके हिसाब से काम करो, और उसके अलावा आगे का क्या करने वाले, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, और इसके अंदर चाहिए तो और एक लिख लो रिस्क। तो तीन चीजें होती है, रिस्क होता है, रिस्क क्या होगा आगे, इनके कंपनी को रिस्क क्या है, क्लाइंट को रिस्क क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये पता करो। और इसके अलावा इनके सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ध्यान रखो, और साथ में प्लस और एक लिख लो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी समझो। किसको समझो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये टोटल पांच चीजें आपको ध्यान रखनी है, या तो आप पांच पॉइंट में लिखो या छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या लिख सकते हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आप सिक्स पॉइंट बना दो, आइदर ऑफ इट ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पॉइंट रखना सर, ये क्वेश्चन क्या था, केओसी नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस करते वक्त कौन से एरियाज दिखने चाहिए। ये इस चैप्टर में भी है, चैप्टर टू में भी है, मेरे ख्याल से आपको ने चैप्टर टू देखा होगा। तो जब प्लानिंग करते हैं क्या, तब प्लानिंग करते वक्त भी हमको केओसी करना होता है। आंसर इज यस। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है ओके, केओसी करना कब है, अगर मैं पहली बार कोई एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं, यानी अगर आपको याद होगा इनिशियल ऑडिट, इनिशियल ऑडिट मैं पहली बार कोई एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं तो क्या मुझे केओसी करना है। आंसर इज यस। लेकिन अगर मैं रिकरिंग ऑडिट कर रहा हूं, रिकरिंग ऑडिट यार ये क्लाइंट के पास मैं पिछले साल भी था, उसके पिछले साल भी था, अब मेरे को केओसी करने की जरूरत नहीं है ओके। तो याद रखना दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। चैप्टर टू में भी आपको सेम आंसर मिलेगा ओके, व्हाट आर द एरियाज ऑफ केओसी ओके। तो अब मेरा क्वेश्चन है सर क्या है केओसी, हमने बार बार करना चाहिए। आंसर इज नो। काहे के लिए बार बार केओसी कर रहे हो, एक ही बार करो। अब क्वेश्चन है सर केओसी कर दिया क्या, अब केओसी जेब्रा ने मालिक समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन है केओसी करने के फायदे है क्या। आंसर इज यस। केओसी क्यों किया, बेनिफिट्स ऑफ केओसी अपन पढ़ रहे हैं ओके, ये पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ केओसी। सर मुझे बेनिफिट्स ऑफ केओसी करते हुए क्या मिला, आरएमएम मालूम पड़ गया। सर आरएमएम कैसे मालूम पड़ गया, आरएमएम का टेक्निकल पॉइंट ओके, एकदम एकदम टेक्निकल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। आरएमएम कैसे मालूम पड़ेगा सर ओके, एकदम मैंने आपको जैसे बताया ओके, जब कंपनी को समझेंगे हम लोग समझेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कंपनी का क्या हाल है क्या नहीं है, उसके बेसिस पे अपने को समझेगा कौन से एरियाज है जहां पर कंपनी वीक है, कौन से एरियाज है कंपनी स्ट्रांग है, तो इसीलिए आरएमएम समझेगा। दूसरा पॉइंट अपने को मटेरियलिटी मालूम पड़ जाएगी ओके, मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी मटेरियलिटी है ना जनरली कोई लेने की जगह काम करता है, पर मैं उसको चैप्टर टू आएगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मटेरियलिटी इज नॉट सो जनरल जितना आप सोच रहे हो। तो मटेरियलिटी चैप्टर टू आने के टाइम पे देखेंगे, लेकिन आप याद रखना केओसी से अपने को मटेरियलिटी समझेगी। तीसरा पॉइंट ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी यूज करते हैं ये समझेगा, ये तो आपको समझाइए एरिया से ओके। स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा किसी को स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन कौन से होते हैं, फ्रॉड वाले एरियाज ओके सर, रिलेटेड पार्टी वाले एरियाज, एस्टिमेट्स वाले एरियाज, ये अपने को समझेंगे कौन सी जगह ओके। सर ये कहां पर लिखा हुआ है, ये इसी चैप्टर में लिखा हुआ है। आप जब कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल करोगे, कल जब अपन करेंगे, कल अपना सीओआईसी चालू होगा, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि अपना अभी आरएपी खत्म हो गया, गया कल अपना सीओआईसी होगा, कल पूरा लेक्चर सीओआईसी पे रहेगा ओके। तो अब उसके अंदर जब करेंगे तो अपन देखेंगे कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्या है सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर अपने को स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन होते हैं, और सिग्निफिकेंट रिस्क कितने होते हैं मालिक, छह होते हैं, वो आपको रटने होते हैं, बात खत्म ओके। ये सिग्निफिकेंट रिस्क और स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन अपने को समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपने को एक्सपेक्टेशंस डेवलप करने में मदद मिलेगी। सर किसमें, एनालिटिकल प्रोसीजर, हमें तो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए ट्रेंड्स चाहिए ना, ट्रेंड के लिए अपने को पास्ट देखना पड़ेगा ना। तो यही पॉइंट ना यार, अंडरस्टैंड केओसी को करने के बाद तो पास्ट करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए इजी आंसर होगा ना। और उसके अलावा अपने को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट विंस कितना चाहिए, वो फैक्टर तोड़ मानो पड़ जाएगा। दिस आर द पॉइंट्स बेनिफिट्स ऑफ केओसी। सर बेनिफिट्स ऑफ केओसी क्या मिलने पड़ेगा, एकदम बांझर आंसर है ओके। सबसे पहला पॉइंट है आरएमएम मानना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट है मटेरियलिटी मानना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट है सिग्निफिकेंट रिस्क मानना पड़ेगा, चौथा पॉइंट है एंटिकल प्रोसीजर में एक्सपेक्टेशंस समझ में आएंगे, आत्मा क्लियर है। उसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी वो समझ में आएगी, एंड लास्ट कांसेप्ट है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट विंस कैसा है मानना पड़ेगा। तो छह पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सर क्वेश्चन क्या है, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग केओसी, क्या है क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग केओसी ओके।
गुरु एक क्वेश्चन आया सर, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बिकॉज सर बाय ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर बिकॉज ऑडिटर इज कंसर्न विद इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मेरे को बताओ कि इस केओसी से हम क्या कर रहे हैं मालिक. गुरु भाई क्या हम लोग ओके गुरु का क्वेश्चन क्या है, गुरु गुरु बोल रहा है कि सर ऑडिटर तो रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो हमने ओके ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्यों देखना है, मतलब इसके ऊपर क्यों देखना है. मैं मेरे को बताओ गुरु भाई टेक्निकली सोचो ओके अब थोड़ा सा जब केओसी क्यों कर रहा, फिर तो केओसी भी मत करो ना, आपसे इंटरनल कंट्रोल देखो. ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज करने के पहले उसका पूरा बैकग्राउंड समझना चाहिए, उसके बारे में आइडिया आना चाहिए. मेरे को बताओ सीए में ऑलरेडी अपने को पता है रिस्क ज्यादा है ओके, अपने को पता है इधर रिजल्ट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अपने को पता है एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं ओके, अपने को पता है यार मार्क्स अप टू द चाहिए. एग्जाम्पल अभी अपने 40 टारगेट रखा होगा ओके या 60 टारगेट रखा होगा एग्जामिनेशन का, मैं आपको बता रहा हूं आपने टारगेट डबल कर देने, डबल मतलब डेढ़ गुना कर देने, यानी अगर आपको पास होना है तो आपको 60 लेके आना है और अगर आपको एग्जामिनेशन चाहिए तो 80 लाना है, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ इंस्टीट्यूट ने कुछ भी ऊपर नीचे किया तो भी अपन एग्जामिनेशन पहुंच जाते हैं मालिक ओके. तो ये आइडिया होना चाहिए ना, उसीलिए अपनी ओनरशिप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं. अरे जिसके बेसिस पे मुझे समझ में आएगा ना, अरे मटेरियलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये. अब मेरे को बताओ ओनरशिप स्ट्रक्चर ओके, जब मेरे को बताओ डेब्ट बेस्ड कंपनी है तो ओनरशिप स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट पेएबल ज्यादा होगा, तो मेरे को बताओ मटेरियलिटी में इनका पीएनएल मैटर ज्यादा करता होगा ओके. लेकिन ओनरशिप है, ओनरशिप स्ट्रक्चर इक्विटी बेस्ड है, अब मेरे को बताओ इनका पीएनएल मैटर करता है या रिजर्व मैटर करता है, रिजर्व मैटर करता है. तो आप ये इससे आपको समझेगा कि मटेरियलिटी कैसे होगी, आप समझ रहे हो, आपको ये पॉइंट मदद करेंगे बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग केओसी में, ये 6 पॉइंट से बात काम मिलेगा. भारत माता की जय, एवरीडे क्लियर. ये हो गया आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और यहां पर अपन कहानी खत्म करते हैं आज के लिए. तो मेरे ख्याल से देखो घंटा भर होता है, घंटे भर में ज्यादा भी नहीं हो रहा है, घंटा भर एकदम आराम से रीजनेबल है, घंटे भर में आराम से आपका काम खत्म होता है और इसके बाद ये लेक्चर के बाद भी आप फटाफट रिवाइज कर लोगे, काम खत्म हो जाएगा. तो तोड़ मालिक ओके, और अपन कल खत्म करेंगे इंटरनल कंट्रोल. कल के पॉइंट पे मैं आपको बता दूं आपके पेज ज्यादा होंगे कल, ये पेज 4 पेज 5 पेज खत्म होंगे कल आपके ओके. तो ध्यान रखना ओके, कल सबसे बड़ा लेक्चर रहेगा, कल अपन 9:30 बजे चालू करेंगे, 11 बजे तक कवर करेंगे. तो नेवरदलेस ओके, कल ये स्ट्रक्चर रहेगा, सेम सिनेरियो रहेगा, रोज सेम टाइम पे मिल रहा है. कल ये खत्म हो जाएगा, परसों ये खत्म होते ही अगला वापस और एक अगला चैप्टर परसों ही चालू कर देंगे, चैप्टर 10 को कंपनी ऑडिट को कवर करेंगे. तो भारत माता की जय, सी यू. अच्छा कंपनी ऑडिट में मैं कारो कवर नहीं करने वाला हूं, कारो अभी मैंने कवर किया लास्ट संडे में, तो जिसने कारो मिस किया होगा, कारो मिस हुआ रहेगा, वो लास्ट संडे का लेक्चर देख सकते हैं मालिक. तो भारत माता की जय, होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा, और लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लेक्चर को शेयर करिए ओके, प्लीज लोगों के साथ बताइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपन ऑडिट तोड़ पड़ाते हैं, ये भी बहुत भारी है ओके. ऐसा नहीं है कि भाई ये ऐसा चल रहा है ओके, बहुत भारी पड़ते हैं और कॉन्सेप्ट बहुत तोड़ लिंक कर सकते हैं मालिक. तो भारत माता की जय, तोड़ मिलते हैं मालिक, अस्तलविस्ता कल 9:30 बजे शार्प, अभी एवरीडे मिल रहे हैं मालिक, सब लोग मिल रहे हैं ओके. तो सी यू टुमारो.